प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपने ट्वीट के जरिए खुशखबरी दे ही दी। कोविड 19 वैक्सीन का दूसरा चरण आज 1 मार्च से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवा ही ली। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैंने एम्स में कोविड 19 वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। कोविड 19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने जितनी तेजी से काम किया वह काबिले तारीफ है। पीएम ने लोगों से वैक्सीन को लेकर भारत को कोविड महामारी से मुक्त करने में सहयोग की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, मैं उन सभी से वैक्सीन लेने का आग्रह करता हूं जो इसके लिए योग्य हैं। आइए हम सब मिलकर भारत को कोविड 19 मुक्त बनाएं। बता दें कि भाजपा सरकार और विपक्ष के लोगों में मोदी जी को वैक्सीन लगाने पर पहले भी काफ़ी चर्चाएँ हो चुकी हैं कि सबसे पहले मोदी जी को वैक्सीन लगवानी होगी एवं समस्त भाजपा पार्टी को। विपक्ष ने पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि वैक्सीन की बात आते ही मोदी जी बात को इस प्रकार घुमा देते हैं जैसे किसी बालक को टॉफी के जरिए खुश करना। मोदी जी को वैक्सीन लगवाकर एक सकारात्मक प्रूफ देना होगा, तभी हम मानेंगे कि हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। मोदी ने विपक्ष को अपना जवाब साझा करते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, तब इस बात का जिक्र किया कि जिनका नंबर पहले है उन्हें ही टीका लगने दें। कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि वैक्सीन के मामले में जल्दबाजी ना करें। वहीं मोदी ने जिस वैक्सीन पर भारत में विवाद चल रहा था वही भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाकर ये साबित कर दिया कि देश की देसी वैक्सीन भी सभी के लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी दूसरी। बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पूरी तरह से देसी है। ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका टीका लगवाया है तो देश के लोगों में इसके प्रति काफ़ी सकारात्मक संदेश ही जाएगा। देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अब 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे। सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। खास बात यह है कि इस बार सरकार के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की एक डोज की कीमत केंद्र सरकार ने अधिकतम 250 रुपये तय की है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन पहले की तरह फ्री ही रहेगी, जिसमें आम लोगों को भी कोविड 19 वैक्सीन की सुविधा आसानी से मिल पाएगी। वैक्सीन के टीकाकरण का पंजीकरण निर्धारित पोर्टल कोविन 2.0 या आरोग्य सेतु से भी कर सकेंगे तथा आम जनता और वृद्धों के लिए यह वेबसाइट के जरिए भी उपलब्ध है। इसके अलावा ऑन साइट पंजीकरण की सुविधा भी होगी ताकि ज़रूरतमंद टीकाकरण केंद्रों में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकें।